कोतवाली में बरमुपुर नहर में एक अज्ञात शव मिला था। शव की हालत ऐसी थी कि उसके उसको दो तीन कपड़ों में बांध कर वहाँ फेंका हुआ था, तो प्रथम दृष्टया देखकर ही वो मर्डर का केस लग रहा था। इवेंचुअली जो शव की शिनाख्त की गई वो रामकेश कुशवाहा जो फफूंद के रहने वाले उनके रूप में हुई। एक उनके परिवारजनों की तहरीर पर 302 का एक मुकदमा लिखा गया। 7 तारीख को ये शव मिला था और मैं बता दूँ आज एक हफ्ते के अंदर हम लोगों ने इसका खुलासा कर दिया, जिसके लिए जो कोतवाली थाने की टीम है वो बधाई का पात्र है। इस क्रम में 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। जो मोटिव पीछे था वो इलिसिट रिलेशनशिप का था। जो मृतक है रामकेश और अंजू देवी जिनकी अरेस्टिंग हुई है, इन दोनों के इलिसिट रिलेशन थे। उसी क्रम में अंजू देवी और सरदार अनिल इन्होंने मिलकर इसको मारा है। मारने के लिए जो वेपन यूज़ किया गया वो एक्चुअली उनके सर पे चोट थी, तो मारा जो है वो एक सिलबट्टे से उसके सर पे वार किया गया जिससे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। वो सिलबट्टा हम लोगों ने बरामद कर लिया है। मारने के बाद उसकी बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो फ्रिज का जो पॉलीथीन वगैरह पैकिंग का जो मटेरियल था उसमें उसको पैक किया गया, उसको अच्छे से बांधा गया, उसके बाद बेडशीट से उसको बांधा गया। इवेंचुअली ये सरदार उर्फ अनिल ने अपने भाई सोनू को बुलाया मदद के लिए, बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए, और फिर सोनू और अनिल ने मिलकर वो मोटरसाइकिल पे रखकर उस बॉडी को वो लेके गए और नहर में फेंक दिया गया। ये वो पूरा घटनाक्रम था जिसका आज अनावरण हुआ है।